दीदी दीदी क्या हुआ? दीदी दीदी मुझे 1,000 रुपए दीजिए ना। 1,000 रुपए? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, मैं तुम्हें 1,000 रुपए कैसे दे सकती हूँ? दीदी प्लीज मुझे 1,000 रुपए दे दीजिए ना, मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनके इलाज के लिए 1,000 रुपए कम पड़ रहे, सामने कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है, वरना मैं किसी और से ही मांग लेती। मैं ऐसे कैसे तुम्हें पैसे दे दूँ? हम तो आज ही मिले, फिर तुम मुझसे 1,000 रुपए मांग रही हो, मैं किस भरोसे से तुम्हें 1,000 रुपए दूँ? बोलो, मैं तो तुम्हें अच्छे से जानती भी नहीं हूँ बहन। दीदी दीदी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा घर यहीं पास में, जैसे ही मेरा मम्मी का इलाज हो जाएगा मैं आपको आपके 1,000 रुपए आकर दे दूंगी। वो बात नहीं है बहन, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए ही है, वो भी मुझे अपना किराया देना है। मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हें 1,000 रुपए दे रही हूँ, प्लीज मुझे जल्दी दे देना। ओके दीदी, वरना मेरा घर का मालिक मुझे निकाल देगा। ठीक है दीदी। ये लो, मेरे पास सिर्फ 1,000 रुपए ही है, जल्दी देना। ठीक है दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगी। ठीक है? ठीक है। कितने अच्छे से बेवकूफ बन गई, मैं तो इसको 1 रुपए भी नहीं देने वाली। ये अब मैं इस पैसे से पिज्जा खाऊंगी, बर्गर खाऊंगी। यस। अरे बहन, अरे ये तो इसी तरफ आ रही है। अरे बहन सुनो, मेरे 1,000 रुपए कहाँ है? दीदी अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगी पक्का। अरे बहन, मैंने तो तुम्हें कहा ही था मुझे शाम तक पैसे दे देना, तुमने कहा था कि मैं आपके पैसे कुछ देर में दे दूंगी, लेकिन आपने अभी तक मेरे पैसे दिया ही नहीं, सुबह से शाम हो गई। प्लीज मुझे मेरा पैसा दे दो, मुझे अपना किराया भी भरना है, वरना मुझे किराया वाला मालिक घर से निकाल देगा, फिर मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज मुझे मेरा पैसा दे दो। दीदी मेरे पास पक्का पैसे नहीं है, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे आपको दे दूंगी। लेकिन तुमने तो कहा था कुछ देर में मैं आपके पैसे लौटा दूंगी, लेकिन अभी तक तुमने मेरे पैसे ही नहीं दिए। दे दूंगी बोला है ना। प्लीज बहन मुझे दे दो मेरा पैसा। दीदी आप मुझे ज्यादा मत टोकिए, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे मैं आपको दे दूंगी। तो प्लीज बहन मुझे शाम तक मेरा पैसा लौटा देना। हाँ हाँ दे दूंगी, जा रही हूँ अब मैं। पैसे चाहिए? अगर इसे पैसे देने ही थे तो मैं इसे पैसे लेती ही क्यों? कब देगी तू मुझे पैसे? 3-4 दिन से तू मुझे नचा रही है, आज दूंगी कल दूंगी कह रही है, लेकिन अब तक पैसे देने का कोई ठिकाना अता पता नहीं है। कब देगी मेरे पैसे? चुपचाप मेरे पैसे निकाल। साहब ऐसे मत बोलिए, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, जब मुझे कोई काम मिल जाएगा फिर मैं आपके पैसे लौटा दूंगी। प्लीज साहब ऐसा मत करिए। नहीं मिलेगी तुझे काम वाम, तुझ जैसे भिखारन को काम कौन देगा? हा? मुझे अपने बातों में फंसाने की कोशिश मत कर, पागल मत बना मुझे, चुपचाप मुझे पैसे दे वरना मेरा घर खाली कर। प्लीज मालिक ऐसा मत करिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं आपके पैसे जल्दी ही वापस दे दूंगी। प्लीज ये बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत कर, ये तेरा ड्रामा अपने पास रख, चुपचाप मेरा घर खाली कर या फिर पैसे निकाल अभी के अभी। मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? आप खुद ही बोलिए, मैं आपके पैसे कल तक दे दूंगी। प्लीज मुझे कल कल कहकर बातों में फंसाने की कोशिश बिल्कुल मत कर, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, अपना बोरिया बिस्तर निकाल दे या तुझे लात मार के निकालूं। प्लीज साहब ऐसा मत करिए। निकालती है या नहीं? निकल निकल अभी के अभी निकल। अभी तक निकली क्यों नहीं? निकलेगी या लात मार के निकालूं? निकल। साहब प्लीज मुझे घर से बाहर मत निकालिए, मैं ये घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? मेरे इस दुनिया में और कोई नहीं है। चुपचाप निकल, मुझे तेरे बातों में नहीं फंसना है, निकल यहाँ से। प्लीज निकल बोला ना हरामखोर, पैसे वैसे देने की औकात नहीं है, मुंह उठाकर आ जाते किराए के घर में रहने के लिए, जब औकात नहीं है तो आते क्यों हुए? दीदी आप मत रोइए, ये लीजिए आपके घर की चाबी। मेरे घर की चाबी तुम्हारे पास कैसे आया? दीदी वो जब आपके घर के मालिक आपको घर से बाहर निकाल रहे थे तब मैंने सब कुछ देख लिया था और सब कुछ सुन भी लिया था। निकल बोला ना, पैसे वैसे देने की औकात नहीं है, मुंह उठाकर आ जाते किराए के घर में रहने के लिए। भैया आपने जिन दीदी को घर से निकाला आप उन्हें घर में ही रहने दीजिए। क्यों रहने तुम्हें उसे? उसने मेरा 3 महीने का किराया नहीं भरा था और बिना किराया भरे मैं अपने घर में किसी को टिकने क्यों दूं?
भैया एक मिनट, ये दीजिए पैसे और उन्हें घर की चाबी दे दीजिए और 3 महीने का एडवांस पैसा भी रख लीजिए। लेकिन तुम कौन हो, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? भैया वो मेरे कोई नहीं लगते और मैं भी उनके कोई नहीं लगती, लेकिन मेरे बुरे वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया था। इंसानियत के नाते मैं भी तो उनकी मदद कर सकती हूँ ना। मुझे उससे क्या, मुझे बस अपने पैसों से मतलब है। मुझे पैसे मिल गए, अब वो चाहे तो 3 महीने तक रह सकती है। ये लो चाबी, उसे दे देना। ठीक है भैया। दीदी ये लीजिए आपके 1000 रुपए। नहीं नहीं बहन, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। तुमने मेरा घर का किराया दे दिया, मिले वही बहुत बड़ी बात है, और मैं ये पैसे नहीं रख सकती। दीदी आप ये पैसे रखिए, तभी मैं समझूंगी कि आपने मुझे माफ कर दिया। वैसे भी मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। फिर भी दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहन, ये लीजिए पैसे। धन्यवाद। दीदी आपने मुझे जो 1000 रुपए दिए थे ना, उसके बदले भगवान ने मुझसे 1 लाख रुपए छीन लिए। दूसरे दिन मेरे घर से 1 लाख रुपए चोरी हो गए, तभी मुझे एहसास हुआ कि जो जैसा करता है वह वैसा ही भरता है। इसलिए दीदी आप मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं बहन, गलती तो इंसान से ही होती है। तुम्हें समझ आ गया, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू दीदी। ठीक है मैं चलती हूँ, बाय।